अब हम क्लास टेन मैथमेटिक्स फोर के पी के बोर्ड के लिए थ्योरम नंबर टेन पॉइंट फोर ए करते हैं इसके टू पार्ट्स हैं ये टू थ्योरम्स हैं एक है टेन पॉइंट फोर पार्ट ए और दूसरा है थ्योरम टेन पॉइंट फोर पार्ट बी अब थ्योरम की स्टेटमेंट देखें इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली दो सर्कल हैं सर्कल इक्वल भी हो सकते हैं छोटे बड़े भी हो सकते हैं ये एक सर्कल है इट सर्कल का सेंटर ओ प्राइम है ये दूसरा सर्कल है इसका सेंटर ओ है इफ टू सर्कल टच एक्सटर्नली बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल के सेंटर के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये इसके बाद प्रूव करना इस इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई तो इस ओ और ओ प्राइम के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों सर्कल के रेडियस के सम के इक्वल हो यानी इसका रेडियस ये है यहाँ पे हम पॉइंट ए ड्रा कर लेते हैं ये पॉइंट ए असल में इन दोनों सर्कल को टच करता है तो ओ इस सर्कल का रेडियस है और ओ प्राइम ए ये इस सर्कल का रेडियस है तो प्रूव ये करना है कि ओ और ओ प्राइम के दरमियान जो डिस्टेंस है ये इन दोनों सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा यानी ओ ए प्लस ए ओ प्राइम यहां से आपका टू प्रूफ है और यहां से लेकर यहां तक आपका गिवन है तो आप देखें गिवन लिख लें आपको टू सर्कल गिवन है टू सर्कल विद सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम विच ट इच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट ए दोनों सर्कल पॉइंट ए पे एक दूसरे को टच ओ ए और ए प्राइम ओ ये इन दोनों सर्कल की रेडियस है ओ एंड ओ प्राइम ए आर द रेडियल सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल टू प्रूफ प्रूफ क्या करना है द डिस्टेंस बिट्वीन दियर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडिया इन दोनों सर्कल की रेडियस के दरमियान डिस्टेंस तो ओ और ओ प्राइम ये इन दोनों सर्कल का सेंटर्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ ओ एंड ओ प्राइम ये इक्वल होगा मैयरमेंट ऑफ ओ ए इस पहले सर्कल का रेडियस प्लस मैयरमेंट ऑफ ए ओ प्राइम ये प्रूव करना है अब कुछ कंस्ट्रक्शन है हम इस पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रा करते है। इस का नाम है बी और सी ये इस सर्कल को भी टच कर रहा है पॉइंट ए के ऊपर और इस बड़े सर्कल को भी पॉइंट ए पे टच कर रहा है तो हम ये बी सी टेंजेंट ड्रा किया है इन दोनों सर्कल पे तो ये इसका कॉमन टेंजेंट हुआ ड्रा B C tangent at A, which is common point of contact. पॉइंट ए जो है ये इन दोनों सर्कल का कॉमन पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है ऑफ द गिवन टू सर्कल्स अब हमारा प्रूफ है पहले जो हमने थ्योरम पढ़े हैं उसमें हमने ये प्रूफ किया है कि ये जो टेंजेंट है ये हमेशा रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होंगे तो ओ ए रेडियल सेगमेंट है और बी सी पर पेंडिकुलर है तो ये नाइनटी होगा और इसी तरीके से बी सी इस दूसरे सर्कल पे भी परपेंडिकुलर है तो ए प्राइम ए ये रेडियल सेगमेंट है और ये टेंजेंट है तो रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट इस पॉइंट ए पे मिल रहे हैं तो ये जगह भी 90 होगी यानी बी ए और बी ए ओ प्राइम ये दोनों 90 के एंगल हैं मयरमेंट ऑफ एंगल बी ए ओ ये भी 90 डिग्री है और मयरमेंट ऑफ एंगल बी ए बी ए प्राइम ये भी 90 डिग्री है इसके हम एक ही रीजन लिख लेंगे आपकी बुक ने दो दफा वही रीजन लिखी हम एक ही दफा लिख लेंगे ए टेंजंट टू दर्कल इस परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये टेंजेंट टू द सर्कल है और ये रेडियल सेगमेंट है ये दोनों पॉइंट ए पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो जो टेंजेंट लाइन होती है वो सर्कल के ऊपर रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसको हम इक्वेशन वन कह लेंगे इसको इक्वेशन नंबर टू कह लेंगे दोनों एंगल को ऐड कर लेते हैं इक्वेशन वन एंड टू तो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए प्राइम इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री प्लस नाइन्टी डिग्री इन दो एंगल्स का सम 180 है इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है देखिए एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है. तो इन दोनों का सम क्योंकि 180 है तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है बी ए, ए प्राइम ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं दे आर फोर मैयरमेंट ऑफ एंगल बी एंड मयरमेंट ऑफ एंगल बी ए प्राइम आर सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिसका सम 180 के इक्वल होता है तो इन दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल है इसलिए ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। विद कॉमन वर्टेक्स ए ये, ये ए इसका कॉमन वर्टेक्स है वर्टेक्स का मतलब कोना एंगल जहाँ पे बनते हैं तो देखिए कोना सा बनता है तो ये ये कोना असल में इस एंगल के साथ भी है बी ए ओ के साथ भी है और ये जो ए वर्टेक्स है ये या किसको कार्नर भी कह लें ये बी ए ओ प्राइम के साथ भी है तो ये ए असल में क्या चीज़ है ये इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है अब अगर आप ये देखें तो ये जो ए ओ है और ये ए ओ प्राइम ये दोनों जो रेज हैं इस एंगल का ये एडज एंगल्स हैं इस एंगल का इस एंगल का ये वाला रे और इस एंगल का ये वाला रे ये एक दूसरे के अपोजिट हैं पैरल है कि अपोजिट है तो जब किसी दो एंगल्स का जो वर्टिक्स है वो एक है यानी ये इन दोनों का कॉमन वर्टिक्स है तो फिर ये ए और ए प्राइम ये अपोजिट रे होंगी देयर फोर एंड ए ओ प्राइम आर अपोजिट रेज पॉस्टूलेट ऑफ सेप्लीमेंट्री एंगल्स ये सप्लीमेंट्री एंगल का पॉस्टुलेट है कि अगर दो हमारे पास एंगल हैं जिसका सम सप्लीमेंट्री होता है और उसका कामन वर्टिक्स है तो फिर वो कामन वर्टिक्स से जो बनने वाली रेज होती हैं यानी इस एंगल का एक आम ये और ये आम ये है और ये इसका कामन वर्टिक्स है तो फिर ये दोनों रेज या दोनों आम एक दूसरे के अपोजिट रे बनाते हैं तो जब ये अपोज़िट रेज़ हैं ए और ओ प्राइम अपोजिट रे इसका मतलब है कि ओ ए और ए प्राइम ये एक लाइन के ऊपर है ओ ए और ओ प्राइम ये एक ही लाइन के ऊपर है और इसी को कोलिनियर कहते हैं जब तीन या चार या पांच पॉइंट एक लाइन के ऊपर हो तो हम कहेंगे कि वो तमाम प्वाइंट कोलिनियर हैं दिस मैक्स ओ ए एन ओ प्राइम थ्री कोलिनियर पॉइंट्स ये कोलिनियर पॉइंट्स है यानी यानी एक लाइन के ऊपर ये मौजूद थ्री पॉइंट्स हैं और ये क्यों क्योंकि ये इस बात का नतीजा है जब हमने कहा है कि ए ओ और ए ओ प्राइम अपोजिट रेज है कंसीक्वेंस का मतलब नतीजा है कंसीक्वेंस ऑफ बींग एंड ए प्राइम इस डैश को हम प्राइम कहते हैं आर अपोजिट रेस अब ये याद रखें कि अगर तीन पॉइंट्स या तीन डिफरेंट कोई भी सिटीज आप कह लें अगर वो बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर वो तीनों हैं तो फिर यहां से लेकर यहां तक का ये टोटल डिस्टेंस अगर आप मैयर करें या यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक आप मैयर करें ये इक्वल होगा फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास तीन जगह पेशावर इस्लामाबाद और लाहौर ये कोलीनियर है तो पेशावर से लाहौर तक का डायरेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर तक का डिस्टेंस के इक्वल होगा अगर ये तीनों सिटीज़ या पॉइंट एक ही रोड के ऊपर हैं या ये, ये तीन जगह हैं और ये तीन जगह बिल्कुल स्ट्रेट जो रोड जा रही है इसमें कोई भी कर्व वगैरह नहीं है ये स्ट्रेट रोड है इसके ऊपर ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें कि थ्री प्लेसेस हैं तो अगर ये तीनों एक ही स्ट्रेट रोड के ऊपर हैं, एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस वो इक्वल होगा इस पॉइंट P और I के दरमियान डिस्टेंस और I और इस पॉइंट L के दरमियान डिस्टेंस के देआर फोर मेयरमेंट ऑफ ओ ओ प्राइम यानी ये टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा मेजरमेंट ऑफ ओ ए डिस्टेंस प्लस मेयरमेंट ऑफ ए ओ प्राइम डिस्टेंस प्राइम का मतलब ओ डैश या ये ओ से थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमने इसके ऊपर एक लाइन सी लगा दी छोटी सी हम इसको ओ प्राइम कहते हैं और इस ये हमारे पास क्या है सेगमेंट एडिशन पॉस्टूलेट सेगमेंट एडिशन बहुत का मतलब है कि अगर ये एक पूरी स्टिक है स्टिक से समझ ले, ये पूरी स्टिक है ये इसका ओ और ओ प्राइम इसकी लेंथ है अब मैंने इस स्टिक को दो हिस्सों में तोड़ दिया है और इस एक स्टिक के एक सेगमेंट को मैं ए कह लूं और दूसरे सेगमेंट को ए और ओ प्राइम कह दूं तो ये क्या पूरी स्टिक जो होगी ये अपने दोनों सेगमेंट के इक्वल नहीं होगी अगर आप इन दोनों सेगमेंट को जोड़ देंगे तो वही स्टिक दोबारा आ जाएगी तो इसका मतलब है कि जब दो लाइंस, दो लाइन सेगमेंट उस पे तीनों पॉइंट्स मौजूद हो कोलिनियर हो तो फिर वो टोटल लाइन या टोटल लाइन सेगमेंट अपने दो सेगमेंट के सम के इक्वल होगी इसका सेगमेंट यानी ओ ए ये और यहां से लेकर यहां तक ये यह इन दोनों सेगमेंट के एक होगी यहां से लेकर यहां तक ये यह हंड्रेड किलोमीटर है यहां से लेकर यहां तक फोर्टी यह किलोमीटर है और यहां से लेकर यहां तक ये यह सिक्सटी किलोमीटर होगा तो हंड्रेड किलोमीटर या फोर्टी किलोमीटर प्लस सिक्सटी किलोमीटर इन दोनों का सम भी इसी के इक्वल होगा यही हमारा थ्योरम था कि इन दोनों सर्कल के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इन दोनों सर्कल के रेडियाइस के सम के इक्वल होगा ओ ए प्लस ए ओ प्राइम इन दोनों के सम के इक्वल होगा तो ये हमारा थ्योरम था दूसरा थ्योरम भी इसी से मिलता जुलता है अब हम उसको अगले लेक्चर में हम उसे प्रूफ करेंगे